डॉक्टर झटका कहीं भी कुछ भी रख देता है। ये सीढ़ी गोडाउन में रखी होनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो। बचाओ कोई, सीढ़ी कहाँ गई? डॉक्टर झटका किधर है? हम सिर्फ पूछा था कि किधर है, ये नहीं बोला था कि इधर आ जाओ। अरे घसीटे, मेरी सीढ़ी अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऊपर से बहुत जरूरी सामान निकालना है, देर नहीं कर सकता यार। बूढ़ी बाबा लॉब से बिना सीढ़ी सामान निकालने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। लो, अब इतनी सारी किताबें यहाँ रखती, ये डॉक्टर झटका नहीं सुधरेंगे। नाना का खजाना, ये किताब तो काम की लगती है। कोई मार सुटिया पापड़ वाले नू, कमर तोड़ दी। डॉक्टर झटका, ये किताब कैसी है? देखो इस पे लिखा है नाना का खजाना। लाओ देखूं, पता नहीं कहां से आई है। जहो! समुद्री खजाना। चलो हम ढूंढने चलते हैं। पुरी पापा, हम तुम दोनों के साथ नहीं जाएगा, चाहे खजाना मिले या ना मिले। ओए, मुझे भी समुद्र से डर लगता है, लेकिन अगर तुम दोनों खजाना हमारे साथ बराबर से बांटोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दवा दे सकता हूँ जिसे खा के तुम दोनों मछली की तरह पानी में सांस ले सकते हो, देख सकते हो, तैर सकते हो और बात कर सकते हो। यार क्या कह रहे हो डॉक्टर झटका, क्या ऐसा संभव है? हाँ ऐसा संभव है मेरे दोस्त, मेरे यार। हम तैयार हैं। नंबर वन कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? मैं भूख से परेशान हूँ, वो कुछ लाया क्यों नहीं? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो, कुछ रुपए का बंदोबस्त किया कि नहीं? भूख से परेशान हूँ। बस बस, ऐसी खुशी की खबर लाया हूँ कि सुन के यकीन नहीं होगा। खुशी की खबर? ये खुशी कौन है और मुझे खुशी से क्या मतलब है? अरे खुशी का मतलब है ऐसी खबर जिसे सुन के आप खुश हो जाओगे। मोटू पतलू के रहते मैं कभी खुश हो सकता हूँ? जो भी करता हूँ वो टांग अड़ा देते हैं। बस इस बार आप उनके काम में टांग अड़ाना। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ये लो मेरी यार, मेरे पाई, ये फिश कैप्सूल खा लो और फिर तुम फिश की तरह ही समुद्र के अंदर सब काम कर सकते हो। ओए अब तुम दोनों तैयार हो? हम तैयार हैं। पुड़ी बाबा, 20 साल का तजुर्बा में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। वो एक बात और बतानी थी लेकिन याद नहीं आ रही यार। बाद में बता देना बड़े भैया, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो याद आया। अगर तुम लोगों को भूख लगे तो जो चीजें मछलियाँ खाती हैं, वो हर चीज तुम्हें अपने खाने जैसी लगेंगी। हाँ पुड़ी बाबा, इसका मतलब अगर इनको भूख लगी तो ये कच्चा मछली, झींगा, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी पकड़ के खा लेगा। हाँ, क्योंकि इनके अंदर मछली जैसे गुण आ गए हैं। वैसे मुझे तुम्हारी नहीं, मोटू की चिंता है, उसे ही भूख ज्यादा लगती है ना यार। चिंता मत कीजिए, खजाना मिलते ही मैं मोटू को ऊपर ले आऊंगा।
वो देखो नक्शे जैसी लोकेशन में हम आ गए। हम ठीक रास्ते में जा रहे हैं। कितनी सुंदर जगह है। चलो थोड़ा आराम करते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये टीला नहीं ऑक्टोपस है। बड़े मौके पर आए हो, जोर से खींचो, खींचो। थैंक यू, बच गए। धन्यवाद। ये हमें बचाने नहीं अपना शिकार बनाने आया था। बचाओ। ये क्या? ये तो पूरी फौज है। जल्दी कुछ करो मौजू। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। तुम ही कुछ करो। ऊपर वाले, हमें खजाना नहीं चाहिए। हे ऊपर वाले, एक बार बचा ले फिर लालच नहीं करूंगा। बचाओ, बचाओ। अब हमें खाओ लालची आपके पास। अब चलो भी, इनको मार के क्या फायदा? शार्क बचाओ! वो देखो बास, मोटू कैसे शार्क्स को मार रहा है। वो कितना बहादुर है। फंसे हुए शार्क को मारना बुजदिली का काम है। जो आजाद शार्क को मारे, जॉन उसका नाम है। वाह बास वाह, क्या कविता बनाई है बास। ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। आजाद शार्क्स को मार के अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिल गया बास, मौका मिल गया। खोलो खोलो जल्दी, बचाओ। अरे बास बास, आप आजाद शार्क्स को नहीं मारोगे? क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? हम खजाना ढूंढ रहे हैं, शार्क से लड़ने नहीं। बस करो मोटू, इतना गुस्सा ठीक नहीं। जल्दी से खजाना ढूंढ के यहाँ से भागते हैं। खाना ढूंढूं? हाँ हाँ, मुझे भूख लग रही है। खाना नहीं, खाना नहीं, खजाना खजाना ढूंढो। समोसे, वाह वाह, मजा आ गया। वो समोसे नहीं है, शार्क है। सुनो सुनो, डॉक्टर झटका ने कहा था कि वो आदम खोर आदमी दिख रहा है। अरे भागो भागो, बस बस, मोटू की बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं। वो देखो अकेले ही इतनी शार्क्स को मार मार के भगा रहा है। चुप कर, जब देखो मोटू की तारीफ करता रहता है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ या फिर मोटू? चलो अब तुम्हारी भूख का भूत उतर गया हो तो खजाना ढूंढे। कमाल है, पता नहीं मुझे हर तरफ समोसे ही समोसे क्यों दिखाई दे रहे हैं। वो डॉक्टर झटका की दवा कसर है। <वो। laughs>
मत तू एक छोटा सा काम कर दो, वो खजाना मेरे नाम कर दो। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है? कविता छोड़ो, खजाना छीनो। ओए अभी तक मोटू पतलू नहीं आया यार। ओए मार डाला, ये कहां से आ गया? उड़ी बाबा, ये वेल के पेट से कैसे निकला? बड़े भैया सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। दरअसल वेल हमें निकल गई थी और साथ में खजाना भी, हमें तो फेंक दिया लेकिन खजाना खा के बैठ गई चोर कहीं की। खजाना उसी के पास है, वो देखो। वेल जी, वेल जी, एक दो ना प्लीज। बचा